हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे ट्रिगोनमेट्री के ऊपर। जो है कुछ जो है हम लोग बेसिक जो है प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने जो है ट्रिगोनमेट्री का जो है बेसिक फार्मूला को बताया था और क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे, किस क्वाड्रेंट में जो है कौन सा जो है ट्रिगोनमेट्री फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इन सारी चीज़ों को जो है हमने वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में जो है हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स से जो है कुछ हम जो है ट्रिगोनमेट्री से जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। तो हम जो है हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन जो है इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1860 डिग्री। हमें जो है 1860 डिग्री का जो वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले जो है आपको बता दें कुछ जो है बेसिक चीज़। मान लीजिए पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब जो है 180 डिग्री, पाई बाई टू का मतलब, तो पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। चलिए पाई बाई थ्री का मतलब, तो पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री। उसी तरह से पाई बाई फोर का मतलब तो 45 डिग्री। अब इसी को हम लोग जो है मान लीजिए 2π कर दिए, 2π का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2π का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए इसको अगर हम लोग जो है इसको हम मान लीजिए कुछ और 2π/2 मतलब तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी तरह से जो है कभी कभी जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करके या कुछ करके जो है आगे जो है मान लीजिए 270 लिखना है, तो 270 के लिए क्या लिखेंगे, तो 3π/2 ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरह का जो है आपको जो है याद होना चाहिए, आपको जो है समझ में आना चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है हम इरेज करते हैं और आगे जो है हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो है क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट जो है हमारे पास चार हैं, कौन कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ जीरो से पाई बाई टू से पाई, इसको हम लोग बोलते हैं 3π/2 और ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 2π। तो चलिए ये जो है 0 या 2π और π/2 π 3π/2। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है। फार्मूला हम बताए थे ऐड सुगर टू कॉफ़ी। लास्ट वीडियो में फार्मूला को बताए थे, नहीं देखे हैं तो आप जो है देख सकते हैं। ऐड में जो है पहला लेटर क्या है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। शुगर का जो है पहला लेटर क्या है, एस, तो एस का मतलब साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। चलिए टू का जो है पहला लेटर क्या है, टी, तो टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। चलिए कॉफ़ी का पहला लेटर क्या है, तो सी, तो इसमें कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट वीडियो में जो है हम काफ़ी डिटेल से इसको हम लोग चर्चा किए हैं, इसलिए जो है हम आपको इसी तरह से जो हम बता दिए। अब जो है साइन 1860 का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 1860 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 10π, 10π का मतलब 10π का मतलब 180, तो 180 को 10 से गुणे के यानी कि 1800 प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो साइन 10π प्लस 60 डिग्री, अब ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 और 2π हैं, तो इस तरह से आएगा तो पाई 3π/2 और यहाँ जब आ जाएगा तो 2π होगा, जब दोबारा फिर घूमेगा तो 4π हो जाएगा, फिर जब आएगा तो 6π आएगा। यानी कि जो भी पाई का जो ऑड नंबर है, पाई का जो है ऑड नंबर है वो जो है यहाँ आएगा, ऑड नंबर जो है यहाँ आएगा और इवन नंबर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ आएगा पाई, 3π, 5π, 7π और 9π, लेकिन यहाँ पर 2π, 4π, 6π, 8π, 9π, सॉरी 10π, यहाँ क्या क्या आएगा, केवल इवन नंबर आएगा, यहाँ क्या आएगा, केवल ऑड नंबर आएगा, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 10π प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो 10π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 10π प्लस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर √3/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 13π/3, इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है, 10 13π/3 इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 10
13 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 13 इंटू 60 तो ये क्या हो जाएगा 13 6 78 यानी 780 डिग्री। तो 780 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है, तो 780 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यह इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 18 6 72 यानी कि 10 4 पाई प्लस ये हो जाएगा 720, 18 6 72 720 प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 10 4 पाई प्लस 60 डिग्री। फिर से देखिए 10 4 पाई प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर जो है इवन नंबर होता है, 10 4 पाई प्लस 60 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है, 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा तो 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3 होता है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है आपको जो है सिंपल वे में जो है आपको समझा रहे हैं, मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 1125, साइन 1125 इसका वैल्यू हमें निकालना है, साइन 1125 इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन 6 पाई जब हम लिख दिए तो 18 180 गुने 6 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1080 हो जाता है, 1018 हो जाएगा। तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे, तो इसमें जो है ये हो गया 20 25 तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 45 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1125 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है देखिए 6 पाई प्लस थीटा यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री। तो इसको हम लोग साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो यही जो है आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।